हाई स्टूडेंट्स, सो आज हम क्लास 9 के चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका चैप्टर 4 क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपके पास क्वेश्चन है या आपके एनसीईआरटी बुक्स है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन है टू वेरिएबल्स के, दैट मीन्स जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स इसका। इसको आपको क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ। आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है ये जो इक्वेशन है। सो ग्राफ पेपर में प्लॉट करना, दैट मीन्स हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आपको ये करना है जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसी ग्राफ पेपर में करना है। आपको ग्राफ पेपर में इस तरह से मिल जाएगा, यहाँ पे आपका मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे नंबरिंग होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होगा। यहाँ पे वाई की तरफ ये पॉजिटिव में होता है, ये एक्स का पॉजिटिव है, ये वाई का पॉजिटिव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नेगेटिव में होता है वाई में, -1, -2, -3, -4 ये एक्स का नेगेटिव है, -1, -2 इस तरह से ही तो होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये एक्स का पॉजिटिव है, ये एक्स का नेगेटिव है, ये वाई का पॉजिटिव है, वो वाई का नेगेटिव है। किसी भी लाइन को ग्राफ पेपर में प्लॉट करना, दैट मीन्स इस तरह से कुछ लाइन होगा या इस तरह से कुछ लाइन होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से, ये है इस तरह से कुछ लाइन होगा, या तो आपका इस तरह से कुछ लाइन है, किसी तरह से एक लाइन होगा। दैट मीन्स एक लाइन को यहाँ पे ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए, आपको दो पॉइंट चाहिए, कहीं पर भी दो पॉइंट चाहिए, क्योंकि एक फिक्स लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम दो पॉइंट चाहिए। अगर आपको बता देगा कि यहाँ पे एक पॉइंट ये है, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो मीन्स क्या होगा, आप यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, पहले कंसेप्ट क्लियर करो फिर क्वेश्चन में जाएंगे। सो एक पॉइंट से हम तो बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, बट आपका एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स इक्वेशन, दैट मीन्स उसका एक फिक्स लाइन ही होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स आपको मिनिमम दो पॉइंट चाहिए, दो ऐसे पॉइंट चाहिए चाहिए तभी हम दो पॉइंट से ही, दो पॉइंट से हम एक ही फिक्स लाइन होगा और कोई लाइन नहीं होगा। तो इस इक्वेशन से पहले दो पॉइंट्स आपको निकालना है, उसके बाद उसको आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ, ओके अब देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो देखो, सो यहां से हम किस तरह से किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट पुट कर लो। ठीक है, सो एट फर्स्ट तुम पुट करो, पुट एक्स इज इक्वल, पुट वाई इज इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी पुट कर सकते, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2। अगर वाई का वैल्यू 2 पुट करोगे, एक्स का वैल्यू 2, दैट मीन्स एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट आपके पास आके 2,2, और एक क्या होगा, पुट वाई इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 3। सो ये दो पॉइंट हमने यहां से निकाल लिया। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि इसका बहुत सारा सोल्यूशन हो सकता है। सो कोई भी कुछ भी पॉइंट निकालो, उस पॉइंट को ग्राफ पेपर में प्लॉट करो, उस इसी लाइन को ग्राफ पेपर में जब प्लॉट करोगे, देखो ये 2,2, फर्स्ट में 2,2 किस तरह से प्लॉट करते हैं, एक्स की तरफ 2, 1, 2, फिर वाई की तरफ 2, 1, 2, तो इस जगह पे हो गया आपका 2,2, 2,2, 1,3, एक्स की तरफ 1, वाई की तरफ 3, तो पहले आपका ये फर्स्ट वाला एक्स का, सेकंड वाला वाई का, तो फर्स्ट एक्स की तरफ हमने 1 गया, वाई की तरफ 3 जाना है, 1, 2, 3, ये वाला पॉइंट, ये हो गया 1,3। सो अब इसको आप क्या करना है, दो पॉइंट मिल गया, अब इसको आपको इस तरह से स्केल के, अब जब ग्राफ पेपर में करोगे प्रॉपर स्केल से करोगे, ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर कोई और पॉइंट ले लो तो उसका क्या लाइन अलग होगा, नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ एक ही इक्वेशन का एक ही लाइन होगा। आप चेक करो, कोई भी पॉइंट लो, माइनस में पॉइंट लो, मान लो y का वैल्यू हमने -2 ले लिया, x का वैल्यू क्या होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, दैट मीन x का वैल्यू हो जाएगा 6, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू -2, और एक भी माइनस में ले लो या और एक प्लस में रखो, मान लो वाई का वैल्यू
y का वैल्यू हमने 1 ले लिया, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 4 माइनस 1, दैट मीन्स 3, दैट मीन्स 3, 3, 1। सो इस तरह से ये जो पॉइंट है इसको आप अब ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे तो लाइन वही आएगा, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, दैट मीन्स वो एक्चुअली होता क्या है, ये तो लाइन है, हमने ये वाला दो पॉइंट लेकर हमने लाइन खींचा, कोई ये वाला दो पॉइंट लेकर लाइन ड्रॉ करेगा, कोई ये वाला दो पॉइंट लेकर लाइन ड्रॉ करेगा, दैट मीन्स अब जो भी लाइन यहाँ पे पॉइंट्स ले लो, लाइन ए वाला आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, इस तरह से फोर क्वेश्चंस आपके पास है, तो यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन में कर रही हूँ, ठीक है। देखो ये वाला इरेज कर रही हूँ, अब पॉज करके इसको कंप्लीट कर सकते हो, देखो आ जाओ। सो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट का है y इज इक्वल टू 3x। सो ये भी एक क्या है, ये भी एक क्या है आपका लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल से। सो इसको आपको, ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, पहले तो आपको दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेने हैं, तभी हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करके हम इसके ये जो लाइन है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो सबसे पहले लेट पुट कर लो कि पुट x इज इक्वल टू 1, वाई क्या हो जाएगा 3, पुट x की जगह 1 पुट करोगे तो y क्या हो जाएगा 3 × 1 हो जाएगा, 3 × 1 दैट मीन्स 3 हो जाएगा ना, और पुट x इज इक्वल टू माइनस में पुट करो, ठीक है, हर तरह के पॉइंट्स लेकर चेक करो, सो y क्या हो जाएगा -3, तो दैट मीन्स 1 हो गया 1, 3, 1 हो गया -1, -3। अब इसको आपको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर में, अपने ग्राफ पेपर में या तो एक्स एक्सिस बना लेना, इस तरह से वाई एक्सिस बना लेना, फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करना 1, 1, वाई के तरफ 3, पहले इस तरह 1, 2, 3, 4, ग्राफ पेपर में तो ये ऑलरेडी पहले से ही आपके पास होगा, ठीक है। सो 1, 3, 1, 2, 3 इस जगह पे है 1, 3, और एक क्या है -1, -3, यहाँ पे आपका -1 है और नीचे की तरफ होगा आपका -3। मान लो इस जगह पे ये हो जाएगा -1, -3, एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है। अब इसका लाइन जब ड्रॉ करोगे, ये देखो बिल्कुल यहां से जाएगा ये वाला लाइन आपका होगा ये, ठीक है। तो आप कुछ भी पॉइंट ले लो, आपका लाइन जो है वो देखना ओरिजिन से ही पास करेगा, ठीक है, ये मेन मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी यहाँ पे अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन हो टू वेरिएबल्स के, इस तरह से उसको आप ग्राफ पेपर में प्लॉट कर सकते हो। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2, 14, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो आपके पास सेकेंड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, आपको दो लाइन के इक्वेशन आपको बताना है जो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 4। बस आपको एक पॉइंट दे दिया, आपको बता रहा है कि इस पॉइंट से जाएगा, इस पॉइंट से जाएगा, ऐसे दो लाइंस की इक्वेशन आप मुझे बताओ। और एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, हाउ मेनी लाइंस आर देयर। सो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि किसी एक पॉइंट 2, 14 इस जगह पे मान लो होगा, तो एक पॉइंट से बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट का है, तो वहां पे क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो किसी भी एक पॉइंट से। तो इसमें से आपको किसी भी दो लाइंस की इक्वेशन आपको बताना है। सो किस तरह से पॉइंट से हम किस तरह से इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू 2, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 14। सो कुछ भी लिख लो, 2x - y, x + y, बहुत सारे इक्वेशन होगा, या इसमें से आपको दो लिखना है। देखिए ये अगर आप इस क्वेश्चन में आंसर चेक करने जाओगे बुक्स में, तो आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि हमने जो जिस तरह से लिखा, मान लो वहां पे कुछ कोई और इक्वेशंस है, यहाँ पे किसी और लाइन की इक्वेशंस है, ठीक है। सो यहाँ पे अलग अलग हर बच्चे का अलग अलग इक्वेशन आएगा, देखना। सो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या लिखो, क्यों वही मेन है, आप लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन में कुछ भी लिख दो। अब आपको थोड़ा चेक करके लिखना है, 2x - y हमने लिखा, एक्स का वैल्यू क्या है 2, सो 2 सा क्या हो जाएगा फिर 2 × 2, एक्स का वैल्यू वाई है 2 है और y का वैल्यू 14 है, -14, सो दैट मीन्स 2 × 2 = 4 - 14, दैट मीन्स -10। तो आपको यहाँ पे थोड़ा लिखना है कि कैलकुलेशन करके क्या होगा, -10, ठीक है। तो जब
ये इसका इक्वेशन कब होता है, ये पॉइंट अगर ये पॉइंट यहाँ पे लिखोगे तो एक्स और वाई की जगह पुट करो तो ये सेटिस्फाई करता है, तभी तो होगा। इस पॉइंट से ये लाइन इस पॉइंट से जाएगा, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर लिखोगे सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की जगह टू पुट करोगे, वाई की जगह फोर्टीन करोगे, फोर माइनस फोर्टीन माइनस टेन, ठीक है। उसी तरह इसको भी थोड़ा कैलकुलेशन करके लिख दो, टू प्लस फोर्टीन एक्स का वैल्यू टू, वाई का वैल्यू फोर्टीन, दैट मीन्स सिक्सटीन। तो इस तरह से आप अपने मन से कुछ भी राइट हैंड साइड, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन में कुछ भी लिखो, राइट हैंड साइड थोड़ा कैलकुलेशन करके लिख दो, हो गया ना, इजी ना, ओके, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ओके। तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इफ द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ, इफ द पॉइंट 3.4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ओके, एक इक्वेशन आपके पास है और एक पॉइंट गिवन है जो उस इक्वेशन के ऊपर, उस लाइन के ऊपर लाई करता है। सो देखो पहले क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है कि इफ द पॉइंट 3.4, एक पॉइंट है 3.4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y + x + 7, इस इक्वेशन के ऊपर ये वाला पॉइंट लाई करता है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स ये पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सो ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो बाय द गिवन कंडीशन हम क्या लिखेंगे, बाय द गिवन कंडीशन हम लिख सकते हैं कि 3 × y की जगह 4 पुट कर, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की जगह 3 पुट करो प्लस 7, बस एक्स वाई दो अननोन था, दोनों का वैल्यू हमने पुट कर दिया, अब हमें सॉल्व करना है, ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। सो देखो किस तरह से फाइंड आउट हो रहा है, 3 × 4 = 12, 3a + 7, दैट मीन्स 3a, थोड़ा हमने घुमा लिया पूरे इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन जब घूम जाते तब कोई चेंजेस नहीं आता है, सो 3a = 12 - 7, दैट मीन्स 5, सो ए का वैल्यू हो गया 5/3, ए का वैल्यू हो गया 5/3, ओके सही है। एक मिनट आंसर चेक कर लो, ये आपका है एक्सरसाइज 4.3 है ना, यस 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 यस, 4.3 5/3, ओके आंसर सही है। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कंसेप्ट है, कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बट कुछ आपको ये कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। देखो द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, दैट मीन्स टैक्सी के जो भाड़ा है वो आपको बता दिया, ठीक है, एक सिटी में, फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, एक टैक्सी का जो भाड़ा है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फर्स्ट 1 किलोमीटर जाएगा तो उसको ₹8 देना होगा, जो टैक्सी का जो भाड़ा है वो ₹8 है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per किलोमीटर, उसके बाद उसने अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो उसको ₹5 देना होगा, अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो उसको ₹10 देना पड़ेगा, दैट मीन्स कहना चाह रहा है कि इसके बाद फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए ₹8 तो फिक्स्ड है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर अगर वो जाएगा उसको ₹5 देना होगा, इस तरह से हर 1 किलोमीटर के लिए वो ₹5 उसको देना पड़ेगा, ठीक है, ये दे दिया कंडीशन। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, बताया कि उन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर किया एक्स किलोमीटर, एंड टोटल फेयर एज वाई ₹y, और टोटल भाड़ा कितना दिया एक्स किलोमीटर के लिए ₹y उन्होंने दिया, आपको क्या करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन बनाना है इसमें से, और उसको आपको ड्रॉ भी करना है ग्राफ पेपर में। तो पहले तो देखो इक्वेशन किस तरह से हम बना सकते हैं, कंसेप्ट लेकर आओ, कंसेप्ट किस तरह से लेकर आओगे, टोटल डिस्टेंस कवर किया कितना, कवर किया एक्स किलोमीटर से बता दिया कि फर्स्ट ये है 1 किलोमीटर जिसके लिए ₹8 फिक्स्ड है, तो बाकी ये कितना किलोमीटर हो गया, फिर यहां से यहां तक टोटल एक्स, ये 1, सो यहां से यहां तक क्या हो गया आपका टोटल एक्स है, सो एक्स माइनस वन किलोमीटर हुआ या नहीं हुआ पहले ये बताओ आप, हुआ, टोटल एक्स है, ये अगर 1 है तो पूरे एक्स में से 1 को माइनस कर दो तो x - 1 किलोमीटर। अब देखो फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपीज दिया, ₹8,
प्लस यहां से यहां तक इस किलोमीटर के लिए कितना रुपीज देगा, यहां से यहां तक एक किलोमीटर के लिए 5 रुपीज देना पड़ेगा, एक किलोमीटर के लिए 5 रुपीज, तो इतना किलोमीटर के लिए 5 into इतना रुपीज, दैट मीन्स x-1 into 5, ये इतना रुपीज हो गया 8, और एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज जाते, तो इतना किलोमीटर के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते, तो ये हो गया उसका टोटल, उसे जितना पे करना होगा ये उसका आपका आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है उसने टोटल कितना भाड़ा दिया, 8 y रुपीज, टोटल y रुपीज, सो बाय द गिवन कंडीशन ये जो चीज है ये इक्वल हो जाएगा y के साथ। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो हमने अलग अलग से दो बार हमने उसने जितना भाड़ा दिया वो निकाल लिया, दोनों को प्लस कर दिया, और बुक्स में दिया हुआ है कि वो y रुपीज है। इस तरह के क्वेश्चन पे ऐसे ही होगा, एक कंडीशन आपको बुक्स में दिया होगा, एक कंडीशन आप खुद निकालोगे यहां से, सो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहां से आपको इक्वेशन बनाना है, सो 8 + 5x - 5 = y, दैट मीन्स 5x y का लेकर आओ, +3 = 0, दैट मीन्स 5x - y = -3, 5x - y = -3। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये आपके पास इक्वेशन आ गया। अब आपको करना क्या है, इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है, प्लॉट करने वाला काम भी मुझे ही करना है, ये तो आप कर सकते हो, फिर भी मैं देखो चलो बता ही देती हूँ। सो यहाँ से आप पहले दो पॉइंट निकालो, पुट y = 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या होगा, 5x - 1 = -3, दैट मीन्स 5x = -3 + 1, दैट मीन्स -2, एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू 1, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ भी पुट करो, पुट y = 4 पुट कर देते हैं, ठीक है। सो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 5x - 4 = -3, सो 5x = -3 + 4, दैट मीन्स, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हुआ मुझे लग रहा है, मैं देखो एक बार हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 5x = -1 पुट किया, 5x = -1 = -3, सो 5x = -2, सो x = नहीं हुआ, x = -2/5, ओके यहाँ पे अच्छा कंसेप्ट आया, x = 2/5, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट वाला वैल्यू होगा, लेकिन ग्राफ पेपर में पॉइंट वाला वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ होगा, अगर कोई यहाँ पे देखो 1, 2, 3 इस तरह से नंबर है तो आप इजीली पुट कर दे, अगर आपको मान दिया 1.2 तो वो थोड़ा टफ लगेगा आपको, सो आपको ये पॉइंट इस तरह से चूज करना है कि जो पॉइंट पे नहीं आए, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रही हूँ, देखो ये भी क्वेश्चन होगा लेकिन वो थोड़ा आपको टफ लगेगा, सो इस तरह से क्वेश्चन को वैल्यू पुट करो जो पॉइंट पे आपके पास नहीं आएगा, सो इक्वेशन को मैं फिर से लिख रही हूँ। सो देखो इक्वेशन को इस तरह से लिखो, मैं इक्वेशन को यहाँ पे और एक बार लिख रही हूँ, ये आपके पास इक्वेशन है, तो आप वाई को एक तरफ रखो, y = क्या हो जाएगा, 5x + 3, हमने y को इधर ले गया, 3 को इधर लेकर आया, ये इक्वेशन है y = 5x + 3, यही तो ये इक्वेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अब इजी लगेगा, अब 1x की जगह पुट करो, हमने x = करके हम कर रहे थे तो वो वाला देखो, अब यहाँ पे इस तरह की कोई वैल्यूज नहीं आएगा, पुट करो x की जगह 1 पुट करो, y का वैल्यू सिंपली आएगा 5 + 1 = 5 + 3 = 8, बस सिंपल पुट कर सकते हो इजीली ग्राफ पेपर में। नेक्स्ट अब पुट करो x की जगह, कुछ भी पुट करो, 3 पुट करो, y क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 + 3 = 18, सो 3, 18, सो दो वैल्यूज आ गया, ग्राफ पेपर में सिंपली प्लॉट करोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ओके। सो आज हम क्वेश्चन नंबर वन से फोर तक आज हमने डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में 5 to जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।